हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वाकांक्षी योजना भानुपल्ली विलासपुर रेलवे लाइन अपने पथ पर अग्रसर है। इसका कार्य इस महामारी के दौरान भी बड़ी तेजी से चल रहा है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना को लेह लद्दाख तक सैद्धांतिक की मंजूरी मिल चुकी है। यहां तक कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ पुलों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन जो काफी समय से लोगों का सपना था, अब लगता है कि हकीकत में बदलने जा रहा है। लगभग 20 किलोमीटर का इसका भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है और इसका प्रथम चरण भी शुरू हो चुका है। धन्यवाद करता हूँ हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आशीर्वाद से ये भानुपल्ली बरमाणा रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। और इस रेलवे लाइन को लेह लद्दाख तक की भी सैद्धांतिक मंजूरी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी सांसद थे और अभी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री उन्होंने दिलवाई है। इस रेलवे लाइन की चर्चा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से हम सुनते आए हैं, परंतु इसके लिए ना तो कभी बजट का प्रावधान किया गया और ना ही इसके लिए कोई गंभीर प्रयास शुरू हुए। परंतु जब से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस रेलवे नेटवर्क को हिमाचल प्रदेश में बढ़ाने के प्रयास शुरू हुए। सांसद अनुराग ठाकुर जी ने मेहनत की और इस रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कई महीनों से इसका काम शुरू है, लैंड एक्वायर कर ली गई है और उसके बाद जो पंजाब से शुरू होकर 7 सुरंगों के टेंडर हो गए हैं। 450 करोड़ रुपये उनको बनाने पर खर्च होगा, जिनमें से 4 सुरंगें हिमाचल में बन रही हैं। और उसी तरह से 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का भी टेंडर हुआ है 650 करोड़ रुपये का, जिसमें पुलों का निर्माण भी होना है। 10 किलोमीटर पंजाब का एरिया है, 10 किलोमीटर हिमाचल का एरिया है। अभी तक सिर्फ धरोट तक ये रेलवे लाइन ट्रैक के निर्माण, पुलों के निर्माण और सुरंगों के टेंडर हुए हैं और काम शुरू हुआ है। पंजाब में तो काफ़ी जो है काम हो चुका है और अब हिमाचल में भी वो काम चल रहा है। कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ था तो काम थोड़ा बंद हुआ था और अब फिर से काम ने गति पकड़ी है। और मैं समझता हूँ कि ये निर्माण कार्य जिस स्तर पर चला है, जल्दी ही हमारा ये जो रेलवे लाइन का सब। उज्ज्वल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।